जो लब्राडा है और म्यूटेंट है दोनों ही वेल नोन ब्रांड हैं। और दोस्तों अगर मैं मसल मास गेनर्स की बात करता हूँ तो दोनों की ही डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी बनी हुई है। और दोस्तों अगर मैं रिजल्ट्स की बात करता हूँ तो दोनों के रिजल्ट्स ही बहुत अच्छे हैं। कस्टमर्स की इनको लेकर जो रिव्यूज़ हैं वो दोनों के ही बहुत पॉजिटिव हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट से रिलेटेड हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए सप्लीमेंट के साथ। जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे म्यूटेंट मसल मास गेनर और लब्राडा मसल मास गेनर के बीच में। दोस्तों आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों में से बेटर चॉइस आपके लिए कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों दोनों ही जो लब्राडा है और म्यूटेंट है दोनों ही वेल नोन ब्रांड हैं। और दोस्तों अगर मैं मसल मास गेनर्स की बात करता हूँ तो दोनों की ही डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी बनी हुई है। और दोस्तों अगर मैं रिजल्ट्स की बात करता हूँ तो दोनों के रिजल्ट्स ही बहुत अच्छे हैं। कस्टमर्स की इनको लेकर जो रिव्यूज़ हैं वो दोनों के ही बहुत पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों के बीच में आज कंपेयर करके देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी बेटर चॉइस आपके लिए हो सकती है। इन दोनों को लेकर दोस्तों मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि म्यूटेंट मसल मास गेनर और लब्राडा मसल मास गेनर के बीच में आप बताइए कि कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन दोनों सप्लीमेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर जो म्यूटेंट मसल मास गेनर है इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें कंपनी ने बताया हुआ है कि इसकी आप 4 स्कूप की सर्विंग भी ले सकते हैं और 2 स्कूप की सर्विंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके 2 स्कूप की सर्विंग की बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है 2 स्कूप की सर्विंग ही लेना। तो दोस्तों इसकी जो 2 स्कूप की सर्विंग है उसमें आपको कैलरीज मिलने वाली हैं 550, इसमें आपको जो फैट मिलेगा वो मिलेगा 6 ग्राम, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा 45 mg, इसमें आपको सोडियम मिलेगा 290 mg, इसमें आपको पोटाशियम मिलेगा 420 mg, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे दोस्तों 96 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसमें आपको प्रोटीन मिलने वाला है 28 ग्राम, मतलब 140 ग्राम की सर्विंग जो 2 स्कूप की है उसमें आपको 28 ग्राम प्रोटीन, 96 ग्राम कार्ब्स और 6 ग्राम आपको फैट मिलने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक वेल बैलेंसिंग जो अमाउंट है फैट की, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की वो इसमें दी हुई है, आपको 2 स्कूप की सर्विंग में वो मिलने वाली है। दोस्तों वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मिनरल्स की, तो दोस्तों इसमें मिनरल्स के नाम पर आपको कैल्शियम और आयरन मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लब्राडा मसल मास गेनर की, तो दोस्तों इसकी जो सर्विंग है जो कंपनी ने बताई हुई है वो है 9 स्कूप की और 4.5 स्कूप की। दोस्तों 4.5 वाली स्कूप की जो इसमें सर्विंग है उसमें आपको टोटल जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो है 171 ग्राम। तो दोस्तों जब हम इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आपको माइंड में ये बात जरूर रखनी है कि जो म्यूटेंट की जो सर्विंग थी, हाफ जो सर्विंग थी इसकी 2 स्कूप की, उसमें था 140 ग्राम, 31 ग्राम का डिफरेंस है, इसलिए कैलरीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों अगर हम इसके हाफ सर्विंग की बात करते हैं 4.5 स्कूप की 171 ग्राम, जिसमें आपको टोटल क्वांटिटी मिलेगी, तो दोस्तों उसमें आपको कैलरीज मिलेंगी 630, इसमें आपको टोटल फैट मिलेगा 2 ग्राम, जो कि म्यूटेंट मसल मास गेनर से कम है। दोस्तों इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे 127 ग्राम जो कि म्यूटेंट मसल मास गेनर से ज़्यादा हैं। और दोस्तों इसमें आपको प्रोटीन मिलने वाला है 26 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन इसमें 26 ग्राम मिल रहा है, वो भी 171 ग्राम की सर्विंग में, और जो म्यूटेंट में हमें प्रोटीन मिल रहा था वो मिल रहा था 28 ग्राम और 140 ग्राम की सर्विंग में। मतलब म्यूटेंट यहाँ पर थोड़ा सा आगे हमें जाता नज़र आ रहा है कि प्रोटीन को जो कॉन्टेंट है वो म्यूटेंट में ज़्यादा है। बट दोस्तों जो फैट की जो परसेंटेज है वो लब्राडा में कम है, फैट जो है म्यूटेंट में ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके अलावा जो लब्राडा मसल मास गेनर है उसमें हमको क्रिएटिन भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, म्यूटेंट मसल मास गेनर में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके अलावा दोस्तों जो लब्राडा मसल मास गेनर है उसमें हमको विटामिन ए, कैल्शियम, डी, विटामिन डी, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन सी, आयरन, विटामिन ई, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। मतलब विटामिन और मिनरल्स में आप देखिए कितनी सारी हमको जो लब्राडा मसल मास गेनर है उसमें क्वांटिटी मिल रही है। जैसे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की अगर हम
बात करते हैं तो यहाँ पर लबराडा हमें थोड़ा सा आगे जाता नज़र आता है, क्योंकि लबराडा में देखिए आपको एक तो फैट कम मिल रहा है, दूसरा क्या है आपको विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, तीसरा क्या है कि आपको यहाँ पर क्रिएटिन भी मिल रहा है। तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में हमको एक स्टेप आगे जाता लबराडा मसल मास गेनर नज़र आता है। बट दोस्तों इसके बाद भी चॉइस आपकी रहेगी कि आपको म्यूटेंट मसल मास गेनर चाहिए या फिर आपको लबराडा मसल मास गेनर चाहिए। बट आप जो है ये बात जरूर माइंड में रखिएगा कि जो सर्विंग साइज़ है वो म्यूटेंट जो मसल मास गेनर है उसका कम है 140 ग्राम है, और जो सर्विंग साइज़ है लबराडा मसल मास गेनर का वो है 171 ग्राम। इसके अलावा दोस्तों म्यूटेंट मसल मास गेनर ने एक टिपिकल एमिनो एसिड प्रोफाइल भी दी हुई है, जिसमें बताया हुआ है कि आपको इसमें कितना कितना क्या क्या एमिनोज मिलेंगे। दोस्तों ये एमिनोज जैसे इसमें बताया हुआ है कि लूसीन आपको मिलेगा इसमें आपको 6 ग्राम 280 ग्राम की सर्विंग में, ना कि 140 की में। तो दोस्तों 6 ग्राम तो 140 में हो गया ऑलमोस्ट 3 ग्राम, आइसोलूसिन हो गया आपको 3.3 ग्राम तो 140 में आपका ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम, तो वैलिन हो गया इसमें 2.9 ग्राम, 140 में आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा 1.5 ग्राम। तो दोस्तों इस हिसाब से पूरा जो है एमिनो एसिड प्रोफाइल दी गई है, जबकि जो लबराडा मसल मास गेनर है उसमें ऐसी कोई एमिनो एसिड प्रोफाइल नहीं दी गई है। तो ये एमिनो एसिड प्रोफाइल आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, आप देख लीजिए। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके वेट की बात करते हैं तो जो म्यूटेंट मसल मास गेनर है दोस्तों वो है आपका 15 LBS मतलब 6 किलो 800 ग्राम, और दोस्तों जो लबराडा मसल मास गेनर है वो है आपका 12 LBS 5 किलो 400 ग्राम। दोनों ही दोस्तों चॉकलेट फ्लेवर हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसकी सेकंड स्टेज के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये स्टेज कंज्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इस स्टेज पर हम बात करेंगे इनके प्राइस को लेकर, इनकी पर स्कूप कॉस्ट को लेकर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर म्यूटेंट मसल मास गेनर की बात करते हैं तो म्यूटेंट मसल मास गेनर के जो इम्पोर्टर हैं ऑथराइज, वो हैं आपके ब्राइट कॉमोडिटीज़, जिन्होंने अपनी ऑथराइज जो इम्पोर्टरशिप की जो टैग है वो अपना जो है लगाया हुआ है, जिसके ऊपर उनका ऑफिस एड्रेस, उनका MRP, डेट ऑफ इम्पोर्ट सारी चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों ब्राइट कॉमोडिटीज़ वालों ने इसका MRP दिया हुआ है 9,199 रुपये। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं लबराडा मसल मास गेनर की, तो दोस्तों इसके जो इम्पोर्टर हैं वो हैं MPN मसल प्रो न्यूट्रिशन। दोस्तों उन्होंने इसका MRP दिया हुआ है 6,600 रुपये। बट दोस्तों आप अगर इनको सप्लीमेंट विला से परचेज़ करते हैं तो म्यूटेंट मसल मास जो गेनर है वो आपको सप्लीमेंट विला से पड़ेगा 6,300 रुपये का। और दोस्तों अगर आप लबराडा मसल मास गेनर सप्लीमेंट विला से परचेस करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 5,550 रुपये का। तो दोस्तों आपने देखा प्राइस में इनके डिफरेंस है। बट दोस्तों जो म्यूटेंट मसल मास गेनर है वो है आपका 15 LBS, और जो लबराडा मसल मास गेनर है आपका वो है 12 LBS। तो दोस्तों इनकी क्वांटिटी अलग अलग है, इसलिए इनके प्राइस और MRP में डिफरेंस है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पर स्कूप कॉस्ट की, तो दोस्तों म्यूटेंट मसल मास जो गेनर है उसकी एक स्कूप आपको पड़ने वाली है 131 रुपये की, क्योंकि दोस्तों 140 ग्राम की इसकी एक सर्विंग है, मतलब दो स्कूप की। दोस्तों उस हिसाब से इसमें जो टोटल स्कूप निकलेंगी वो निकलेंगी आपकी ऑलमोस्ट 48 स्कूप, और दोस्तों 48 सर्विंग के हिसाब से इसकी जो एक सर्विंग है वो पड़ेगी आपकी 131 रुपये की ऑलमोस्ट। और दोस्तों वहीं पर अगर हम लबराडा मसल मास गेनर की बात करते हैं तो इसमें 4.5 स्कूप के अकॉर्डिंग अगर हम इसे जाने तो इसमें जो टोटल सर्विंग निकलेंगी दोस्तों वो निकलेंगी 32, और दोस्तों उस हिसाब से इसकी एक सर्विंग की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 173 रुपये। जी हाँ दोस्तों लबराडा मसल मास गेनर इस स्टेज पे थोड़ा पीछे नज़र आता है, क्योंकि लबराडा मसल मास गेनर जो है वो म्यूटेंट मसल मास गेनर से थोड़ा कॉस्टली नज़र आ रहा है दोस्तों। बट इसके बाद भी जो चॉइस होगी वो आप लोगों की होगी कि आपको लबराडा मसल मास गेनर चाहिए या फिर म्यूटेंट मसल मास गेनर चाहिए। दोस्तों रिजल्ट वाइज दोनों की ही डिमांड मार्केट में अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, और दोस्तों इन दोनों के रिव्यूज़ भी जो कस्टमर्स के हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है कि सर हम 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मंगाना चाहते हैं बट हम कहाँ से मंगाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको म्यूटेंट मसल मास गेनर चाहिए तो
और अगर आपको लबराड़ा मसल मास गेनर चाहिए तो दोनों ही आपको सप्लीमेंट विला पर मिलेंगे 100% ओरिजिनल विद बिल उनके करंट इंपोर्टर टैग के साथ। दोस्तों म्यूटेंट मसल मास गेनर पड़ेगा आपको 6300 का विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो सप्लीमेंट विला वाले उसे कूरियर करा कर देंगे। और दोस्तों लबराड़ा मसल मास गेनर पड़ेगा आपको 5550 का, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो आपको कोई शिपिंग चार्जेस नहीं देना, सप्लीमेंट विला वाले आपके घर तक उसे पहुँचा कर देंगे। तो दोस्तों सप्लीमेंट विला का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर उसे नोटिस कर सकते हैं फ्यूचर में कोई भी सप्लीमेंट मंगाने के लिए। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको इन दोनों को लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज हमने बात की लबराड़ा मसल मास गेनर और म्यूटेंट मसल मास गेनर के ऊपर, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने जानी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में जानेंगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन।